फिर से बोल रहा हूं मैम, बायो सेवर्ट लॉ में जो आपको पढ़ाया था मैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका एक स्मॉल सेगमेंट होगा, छोटे से टुकड़े के लिए एप्लीकेबल, पूरे वायर के लिए नहीं है, पूरे वायर के लिए एप्लीकेबल तब होगा जब आप क्या करें, ध्यान सुनो क्या होगा, याद होगा आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर की लंबाई जिसके लिए बायो सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल है, इसका लेंथ क्या माना था, पी एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को ज्वाइन कहां से किए थे, ज्वाइन के डीएल, इस वेक्टर को कौन वेक्टर कहे थे, वेक्टर आर कहे थे, डीएल कहां है, ऊपर थे, इसके बीच जो एंगल बना हुआ एंगल पर क्या कहे थे, थीटा, ठीक है। याद कीजिए कल आपको हम पढ़ाए थे मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल क्यों बोला मैंने इसको, चूंकि आपने जो सेगमेंट लिया है वो बहुत छोटा लिया है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, डीवी इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिखाया था कल अच्छे ढंग से, म्यू नॉट बाय कितना, 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू व्हाट साइन, ये स्केलर फॉर्म था, जबकि वेक्टर फॉर्म में भी इसको हम निकाले थे डीवी क्यों पैरो आ गया इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाय आर का, ये दो निकाले थे, फॉर्मूला को प्रूफ भी किया था, फॉर्मूला आया कहां से, बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dv is directly proportional to dl, dv is inversely proportional to r square and dv is directly proportional to sin theta, और इन सबों को कंबाइन किए थे तो ये फॉर्मूला बना था जहां k कांस्टेंट छोड़ा करके हमने लिया था म्यू नॉट बाय 4 पाई, जहां म्यू को क्या कहते थे, बोलिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी नॉट परमिटिविटी, क्या पढ़ते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, पर मीएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इस चीज को हम थोड़ा और डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ध्यान रखना याद है, एप्सिलॉन नॉट को कहते थे हम लोग क्या, एब्सोल्यूट पर मीटिविटी, और एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, बिल्कुल सही, ठीक है। इस दोनों में कोई बोल सकते हो सिंपल डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस दोनों में क्या, इसका यूनिट होगा इसका यूनिट नहीं होगा, क्यों सर, चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला याद कीजिए था परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ, ये दोनों के रेशियो को मापता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी मेजर्स द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू दैट ऑफ एयर, उस तरह से कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज म्यू आर, क्या बोलोगे, रिलेटिव परमिटिविटी, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, म्यू एम मतलब परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू दैट ऑफ व्हाट एयर, याद रहेगा ना, मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये किसके लिए है बच्चों, ये या तो वैक्यूम के लिए है या किसके लिए है, एयर के लिए है या किसके लिए है, स्पेस के लिए, यहां कुछ भी खाली है, ठीक है, आपको इससे यहां पर कोई मतलब नहीं था, इसको कहने का उद्देश्य यही था कि रिमाइंड हो जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी जिस तरह से था वैसे ही क्या आ गया, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी, यहां पर था एप्सिलॉन एम, यहां पर क्या आ गया म्यू, ठीक है। अब तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग भी थोड़ा ध्यान से सुनो, मान लो किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 3 आया, क्या आया 3, सपोज उनका मान 3 आया, इसका मान कितना है 3 आया, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ऊपर भी सेम थिंग है नीचे भी सेम थिंग, दोनों का यूनिट कट जाएगा ना, इसलिए इसको कहा गया यूनिट प्लेस क्वांटिटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज व्हाट,
इट इज ए व्हाट यूनिटलेस, इसको यूनिटलेस क्वांटिटी कहेंगे, चूंकि ये दोनों आपस में जो यूनिट थे वो सेम थे, वो कट गए ना, कट गए खत्म हो गए। कहोगे सर इसका यूनिट तो जानते ही नहीं है, तो आप काट कहां से, चलिए इसका यूनिट जान लीजिए क्या होता है। देखिए इसका यूनिट निकालना है ना, ध्यान से सुनो, इससे निकालना आसान किससे निकालना आसान, इससे आसान ये रेक्टर फॉर्म में बोलो म्यू नॉट का मान तुम लोग क्या कहो, डीबी इंटू फोर पाई इंटू आर स्क्वायर बाय आई इंटू डीएल इंटू साइन, तो प्रॉब्लम भी नहीं को सही है, सही है। और डीबी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट का क्या लिखा है, टेस्ला नहीं पढ़ना है, टेस्ला है ये। फोर पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूनिट होता है। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, आर का स्क्वायर मीन्स मीटर का, सही है। आई क्या है, करंट, करंट का क्या होगा, एम्पियर। डीएल क्या है, लेंथ, लेंथ का क्या होगा, मीटर। साइन का क्या है, एंगल, मीटर। ये तो क्या आ गया, टेस्ला मीटर और एम्पियर इज द यूनिट ऑफ पर मिएबिलिटी, सही है। तो ऊपर भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर आएगा, नीचे भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दोनों कट गया, कट गया तो समझ जाओ कि ये क्या हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी। कहोगे जैसे पढ़ा क्यों रहे आप, इसका भी कारण सुनो क्या, हमने मान लो कि एयर के परमिटिविटी याद कर लिया, याद कर एयर का आसान, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10 में याद किया था, होता है हम लोग वहां बस चार ही मीडियम था, एयर वाटर ग्लास डायमंड, चार याद कर लिए थे। बट यहां मान लो आया मस्टर्ड वायर, केरोसिन वायर, डाला वायर, कौन कौन सा वायर आया, उन सब वायर को याद करना पॉसिबल नहीं है। याद कर भी लोग इसका फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वहां फिगर बहुत सिंपल था, 1 था, 1.5 था, 1.33 था, इसका आसान था। यहाँ फिगर पॉइंट में भी होगा, 10 पे पावर भी होगा, इसको याद करना पॉसिबल है नहीं है। इसको सॉर्ट करके साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिंपल रफ फिगर बना दिया, क्या अगर हम किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी याद कर लेते हैं, मान लो कि हमने याद कर लिया कि डेल्टा डी का जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 3 है, कर लिया ऐसा नहीं, कैसे सुनो, कहोगे सर m मींस हो गया डाटा, d मींस डाटा हो गया, इक्वल टू कहोगे सर 3 into इसका मतलब कि आप डाटा का अब रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तब कैसे, 3 याद हम करना आसान, याद कर ली, और इसको तो आपको हमेशा याद रखना है, म्यू नॉट का मान लिखाया मैंने यहां, याद रखोगे इसका भी, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान बच्चों 10 पे पावर माइनस 7 होगा, क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 7 मींस कहोगे सर 4 मींस कहोगे सर म्यू नॉट का मान से क्या होगा, 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस, इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्या 3 से गुणा करने का लोग मान देता हूं। अब तुमसे मान लो कोई कहेगा गोल्ड का, सुनो टोट भाग नहीं करना, गोल्ड का एबिलिटी परमिटिविटी 4 दिया हुआ है, गोल्ड का बोलो परमिटिविटी कितना होगा, 4 गुना कितना, मैं तो नहीं कर रही, 4 को याद करना आसान है बट इसको सॉल्व करके याद करना मुश्किल है ना, इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ाया गया, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी आपका मतलब मीडियम हो, उसका जो परमिटिविटी होगा उसको आप सिंपल वे में याद रख सकते, ठीक है। अभी आपको हम क्या सिखाया, सिर्फ अभी सिर्फ इतना ही सिखाया कि कल जो वेक्टर फॉर्म था, स्केलर फॉर्म था, उसको लिखे, उसके बाद मैंने पढ़ाया कि म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, पूर्ण कर लिया। म्यू नॉट कहते क्या है, तो जो कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये किसके लिए है, एयर के लिए है, वैक्यूम के लिए, स्पेस के लिए है। उसके बाद मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी का सब सिखाया क्या होता है, ये रेशियो है किसका, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू दैट ऑफ एयर, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको क्यों याद करते हैं, ये याद करना आसान है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान एक सिंपल नंबर 2, 3, 5, 5.1 से होता है, उसका गुणा कर रहे इससे अपने आप निकल जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ाया। चलिए इसमें क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट वो हम दिखाएंगे।
हो गया तक नोट तो लोग हो गए। आगे आपको सारा थ्योरम जितना भी प्रूफ करेंगे फॉर्मूला सब आपको कम मैच करेगा, इसलिए इसके प्रूफ को इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो ध्यान देना। ये मान लो तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैं स्मॉल सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट में टुकड़ा होता है डीएल का। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंगल कितना है थीटा है, डीएल का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगा, आर का डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट है, क्रॉस डीएल क्रॉस आर। बोली याद कीजिए वेक्टर में आप लोग मैथ्स में वेक्टर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिए, रिवाइज भी करवा दिए उसका, ए और बी दो वेक्टर पॉइंट चुके हैं। ए क्रॉस बी करेगा, ए से बी मूव करेंगे कि बी से मूव करेंगे, ए क्रॉस बी ए से बी, हम कहां गया इनवर्ट गया, वे बी क्रॉस ए हम क्या करेंगे बी से कमाउ। डीएल क्रॉस आर, डीएल का डायरेक्शन कहां है ऊपर, आर कहां है, आर कहां है यार डीएल से आ गए ना, हम कहां गया इनवर्ट। इसका मतलब हुआ कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, पेपर बोर्ड के अंदर की बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर, यहां पर ऐसे घेर करके इनवर्ट को कल दिखाए थे क्रॉस लिखा हो गया, ठीक है, डीएल से आर घूमे इनवर्ट गया ना, यहां मत पूछा फिर नहीं पूछा वो इनवर्ट, यहां इनवर्ट यहां भी क्या इनवर्ट होगा, समझ जाओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस छोटे से सेगमेंट के कारण कहां होगा, इस बोर्ड के इनसाइड। ये तो एक्चुअल तरीका होगा, एक्चुअल जो फ्रेस था वो बता दीजिए, एक शॉर्ट तरीका किसका, वो क्या है सिंपल है, फिंगर वायर पॉइंट पी, यहां पॉइंट पी यहां पर जगह, ठीक है, जब हम लोग फिंगर को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करेंट होगा ऊपर जा रहा है ना, ओके, इस पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं इस पॉइंट पर कहां गए फिर आपको अंदर गया ना, इसका मतलब समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां है इनवर्ट इस पॉइंट। अब वही कोई बच्चा मान लो कहा कि यहां पर सर क्या हो, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पर, लिया पढ़िए इस पॉइंट पर पहुंचेगा फिर कहां आएगा बाहर आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक से हुआ, रूल देखिए पॉइंट मान रहे पॉइंट भी यहां है, ज्वाइन किए इसको, ये क्या हो आर हो गया, ये डीएल है, डीएल से आर घूम रहे हैं, डीएल से आर घूम रहा है, डीएल से आर घूम रहे हैं, आर इधर है ना, डीएल से आर घूम कम कहां आया बाहर आया, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है डॉट, डॉट मीन्स जमा गया ना, वो शॉर्ट ट्रिक भी हो गया और ये आपका जो एक्चुअल रूल है क्रॉस का उसी बात है, जो जो पहले है वहां से डीएल पहले है, डीएल से घूमना है कहां तक आर तक, और डीएल था ना ये पहले फिंगर को इस पूरे पांच चारों की जो को हम लोग इधर किए डीएल से आर किए समझ जाओ किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, यहां देखो डीएल से आर इधर है ना, हम और मैग्नेटिक फील्ड आर के, ठीक है, तो मतलब एक करंट कैरिंग वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से भी निकाल सकते हैं जो एकदम फ्रेश रूल है जो हर जगह काम करेगा, और ये जो आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए थे भी हम उसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल मत कहो पाम रूल कहो, ठीक है, याद रहेगा ना राइट हैंड पाम रूल क्या बताया आपको, किसी भी पॉइंट पर यहां पर निकालना है, यहां से पहुंच यहां पर आप यहां पर ऐसे पहुंचे यहां पर मतलब डायरेक्टली इनवर्ट हो यहां पर इधर हो, मतलब कि मान लो एक सर्कल है ये, ठीक है, इस पॉइंट पर सर्कल पर टेंजेंट इधर होगा ना, इस पॉइंट पर सर्कल पर टेंजेंट इधर होगा, इस पॉइंट पर कहां होगा इधर होगा, इस पॉइंट पे कहां होगा इधर होगा, टेंजेंट पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करने का मतलब क्या हो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, ऐसे करने का मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है,
यहाँ पर तक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर निकालने जा रहा है उस पॉइंट पर घूमिए पहले आप, और घूमने के बाद टेंजेंट उसी डायरेक्शन में खींच दीजिए, ठीक है, याद रहेगा ना, जरूर करो बाबू। इसे मान लिया जाए ये ज्यादा बड़ा है, नहीं खुलेगा, समझाना जरूरी है, मॉडल वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सब पढ़े भी नहीं, भूल गए क्लास 10 में पढ़े हुए, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े हो ना, इसका सेंटर वायर को होता है, यही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये क्या है वायर, ठीक है, वायर बिल्कुल बीच में होगा, बीच में है, इस पॉइंट पर तुमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ट नहीं होगा, इनवर्ट ऐसे घूमे, इनवर्ट इस पॉइंट पे कहाँ होगा, ऐसे घूम रहा है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट बाहर नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, अब बोलो इधर होगा, चेंज मान लो करंट कर दीजिए और निकालना ही करें, अब इस पॉइंट पर फील्ड डायरेक्शन, करंट नीचे है, इस पॉइंट पर क्या होगा, अब बाहर आ गया ना, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे बोलो कहाँ आ गया, टूटा हो गया, ठीक है, मतलब कि एक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हो गया, उसके पॉइंट पर टेंजेंट रोकिए, वो क्या दिया हमको, डायरेक्शन दिया इसका, देखिए इस फिगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is determined by by right askew rule, कॉम्पल्सरी क्या लिखा, कभी अस्कू को घर में खोले हो, जाकर स्कूल हो गए हो, देखो कसता भी है खोलता भी है, स्कूप नहीं ढक्कन खोले हो ना, ढक्कन खोले हो ना, पानी है ऊपर निकल जाएगा पानी से, मान लो पानी निकालने के लिए पानी निकाल देते, ठीक है, ध्यान रखना, ये मान लो कि दीवार है, ये स्कूप, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना क्या कर रहे, स्कूप को आप पोच करके जवाब कुछ बोल रहे हैं, कहां से यहां से घूमना है, और इसमें यहां से घूमना है, डीएल से घूमना है पी, कहां जी आप प्लस स्क्रू को खोल रहे हैं, और ये आपका स्क्रू बाहर निकल रहा है, कितने जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर निकल, इसके बाहर की और बार डीएल से यहां घूम रहे हैं, इन वह अंदर जा रहा है कि खुल रहा है, इन जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना यहां पर क्या हो गया, ठीक है, अस्क्यू रूल ही यही कंसेप्ट काम करता है, क्या वो सारा काम वही है, बस सबका रूल सिंपल है, डीएल प्लस आर को सिखाए, ये रूल ये भी इसे भी निकाल लीजिए, इसे भी निकाल दीजिए और इसे भी निकाल दीजिए, नाम बड़ा होगा सीधे जी क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट खत्म हो गया, कभी एग्जाम ये पूछेगा नहीं स्टेट करने, इसको स्टेट करने क्लास 10 में पूछ लिया था, लिविंग स्टेट लिविंग लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड रूल, अब सब लेफ्ट और राइट चला गया, सिर्फ क्वेश्चन का आएगा इससे, ध्यान दीजिएगा बात नहीं, इफ केस वन आई एन बता रहा हूं, सभी ध्यान से सुनो, अगर थीटा का मान जीरो, फर्स्ट वाले केस, अगर थीटा का मान जीरो तो कॉट डीबी का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जी थीटा का मान जीरो होगा तो साइन जीरो का मान जीरो, और ये पूरा क्या जीरो बन गया, थीटा का मान जीरो तो डीबी का मान जीरो का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये होगा कि अगर ये जो आपका स्मॉल सेगमेंट डीएल था, ये जो आपका आर था, ये पॉइंट पी था, ये थीटा है, तो थीटा का मान की बढ़ा पी पॉइंट यहां आ गया तो कम गया ना, पी पॉइंट यहां आ गया तो कहोगे थीटा से और कम गया, नहीं कम गया,
पी पॉइंट और इधर आया, थीटा और कम गया। इस तरह पी पॉइंट जब यहां आएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। और जब थीटा का मान जीरो हो गया तो डीवी का मान जीरो हो गया, का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस है ना, किसका एक्सिस है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो बिकॉज व्हेन इट कम्स, देखो अभी पी यहां पर था, एंगल कुछ था, पी और कम हुआ घट गया एंगल, एंगल और कम हुआ ना, पी यहां एंगल कम हुआ, एंगल और कम, एंगल और कम, जब पी पॉइंट करीब आते हैं तो यहां आ गया। इसका मतलब जब P पॉइंट एक्सिस पर पहुंच गया तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो क्यों हो गया? बिकॉज थीटा इज जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो। मींस हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर पर कितना होता है? जीरो। मींस कोई पूछेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 50 है, यहां पर कितना होगा? जीरो कहेंगे, जीरो। ठीक है, क्या बोले? मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर पर मींस उसके एक्सिस पर कितना होगा? जीरो। इसको नोट करते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो देन डीवी इक्वल टू जीरो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब क्या? करंट एलिमेंट मतलब, करंट एलिमेंट का मतलब जिसको टुकड़ा माने थे ना, वो टुकड़े की बात कर रहे हैं। डीएल, तो डीएल का एक्सिस कौन? ये है कि ये है कि ये है, ये है पूरा ए बी सी डी में कौन कौन सा पॉइंट डीएल का एक्सिस पर आएगा? बी और डी है, नहीं आएगा? अरे बी और डी इस तरह एक लाइन पास कर गया ना, इसका मतलब कहां कहां जीरो होगा? बी और डी पर जीरो, कहां नहीं हो? ए और सी, ठीक है, वही मतलब इसका हुआ। कैलकुलेट किया आपको, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट इज व्हाट? जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया यहां पर। सेकंड देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90, इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा का मान 90 होगा, याद कीजिए पहले आप लोग भी हैं, साइन थीटा का मान मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम क्या होता है? थीटा का मान 90 तो हम सब जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान 1, इसका मतलब थीटा का मान मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। That is, हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन, लिखो, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन लाइन ज्वाइनिंग When line joining current element two point is perpendicular, line joining current element two point is perpendicular का मीनिंग समझ में आया क्या हुआ? ध्यान दो, क्या हुआ? ये करंट एलिमेंट था, ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी और करंट एलिमेंट को ज्वाइन किए, एंगल 90 बन रहा है ना, एंगल 90 बन रहा है, तभी कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कम से कम कहां होगा? अगर वो पॉइंट पी कहां हो? इसके एक्सिस पर, वहीं पर। और मैक्सिमम कब होगा? जब पॉइंट पी और डीएल के बीच जो लाइन ज्वाइन करने के बाद एंगल बना हो, कितना होगा? ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। चलिए, ये आपने बायो सेवर्ट लॉ के बारे में सीख लिया, अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। लेकिन हमारे क्या होता है,
की समाप्ति हो गई है। कितना काम चलता है ध्यान देना सर, आप नहीं समझ रहा हूं। क्वेश्चन ये है मैडम, अगर कोई आपसे पूछे डीबी, एकदम ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, डीएल और आर तीन वेक्टर्स हैं, डीबी और डीएल के बीच ऑलवेज कितना डिग्री एंगल बनेगा, डीबी और डीआर के बीच बी ऑलवेज कितना डिग्री एंगल बनेगा, कोई बोल सकते हो तो बोलो ऑलवेज। नहीं पता आपको होगा, तीन पेन लाइए, देखो आंसर, हम पढ़ाए थे घटक में भी आपको एक घटक दे है, ये घटक दिए है, इसको बोलो क्या करने वाले हैं, एन क्या जो दोनों के क्या था परपेंडिकुलर, ठीक है, ए इसको मान रहे हैं, ये बी है, ये ए और ये बी है, ठीक है, और अभी जो पढ़ा है उस कंसेप्ट में जो अभी आपको फिगर ड्रॉ किया उसमें बोलो डीएल किसको माने, डीएल इसको माने, डीएल इसको माने, डीएल था ये, ठीक क्या हो गया आर, ठीक है, डीएल से आर घुमाए हम कहां गया इनवर्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर, व्हाट इज दिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है कि नहीं है, और ये जो पेन है ये 90 डिग्री किसके किसके साथ बना रहा है, तो ये 90 डिग्री आर के साथ बना रहा है, और यही 90 डिग्री किसके साथ बना, ये पॉइंट ये पेन मान लो खिसकते खिसकते यहां भी आएगा, इस पेन के साथ भी क्या बनाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डीआर के साथ मैग्नेटिक बनाया, आर के साथ भी और डीएल के साथ, ठीक है, ऐसे भी आप पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी निकालने के बाद जो एन कैप था वो दोनों के परपेंडिकुलर था, देखो गया यहां पर, देखो गया, देखो निकालते हैं क्वेश्चन, नोट एल ओ टी नोट को पहले, फील्ड को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड को